गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे, ये उम्मीद की जाती है। तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जनरल मीटिंग के ऊपर है। आपने वर्ड बहुत बार सुना है, एजीएम, ईजीएम, शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना है, बहुत सी जगह पे सुना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आता है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है, ओआर पास करना है, एसआर पास करना है। अब ओआर पास करना हो चाहे एसआर पास करना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ओआर पास करना हो चाहे एसआर पास करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी ना। अब वो कह रहे कि शेयर होल्डर्स की कौन सी मीटिंग बुलाएं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और कब जरूरी है ये बुलाना, कब नहीं है, क्या बिना बुलाए भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो जनरल मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग कह सकते हो, मेंबर्स की मीटिंग कह सकते हो, शेयर होल्डर की मीटिंग कह सकते हो, मेंबर की मीटिंग कह सकते हो। और मीटिंग के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है? मिनिमम 2 लोगों का होना तो जरूरी है ना, क्योंकि एक इंसान अगर बैठा है तो वो किससे बात करेगा, किसके साथ कुछ डिस्कस करेगा। तो मैटर डिस्कस करने के लिए 2 लोग तो होने जरूरी है, 2 लोग तो होने जरूरी है। तो शेयर होल्डर की आपको मीटिंग बुलानी है, तो जैसे आपने पढ़ा था कि बोर्ड की अगर मीटिंग बुलानी हो तो 173 क्या कह रहा था, आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। कितने दिन का? 7 डेज का। फिर आपने पढ़ा ये जो मीटिंग है इसका एक चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन ऑफ द कंपनी भी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हो सकता है, और जहाँ वो अवेलेबल नहीं है वहाँ हम किसको कर देंगे, वहाँ जो डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे वो अपने आप में से सेलेक्ट कर लेंगे वन ऑफ द डायरेक्टर, उसको क्या बना लेंगे, चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। फिर आपने पढ़ा था कि कोरम भी होना चाहिए, मतलब मिनिमम लोग प्रेजेंट होने चाहिए क्या करने के लिए, मीटिंग को वैलिड करने के लिए। ये कितना था? 1/3 या मिनिमम 2, 1/3 और मिनिमम 2, इतने लोग चाहिए मीटिंग को वैलिड करने के लिए। तो आपने देखो पढ़ा ना कि अगर शेयर होल्डर, अगर बोर्ड की मीटिंग बुलानी है तो क्या करना पड़ेगा, नोटिस इशू करना पड़ेगा। नोटिस का टाइम पीरियड दिया हुआ है, चेयरमैन होना चाहिए मीटिंग का, कोरम होनी चाहिए। फिर आपने एक दो चीज़ें और पढ़ी थी कि मीटिंग ऑफ द लास्ट मिनट्स वगैरह साइन होते हैं, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एजेंडा भी होगा इसके साथ में, और एजेंडा में आपको रेजोल्यूशन भी बताना पड़ेगा, कौन सा रेजोल्यूशन आप पास करने वाले हो, वो ओआर होगा, वो एसआर होगा, कौन सा रेजोल्यूशन होगा, ये चीज़ भी आपको बतानी पड़ेगी। अब क्योंकि ये बोर्ड का रेजोल्यूशन था तो यहाँ पे तो सीधा बोर्ड रेजोल्यूशन कह दिया, शेयर होल्डर का होता तो क्या कहते हैं, एसआर होगा या ओआर होगा, रिक्विजिट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन तो रिक्विजिट मेजोरिटी से होता है, क्योंकि यहाँ तो है नहीं कि ओआर की तरह मेजोरिटी चाहिए या क्या चाहिए, एसआर की तरह 75% चाहिए। अब वो कह रहे कि कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी जब आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, अब शेयर होल्डर की मीटिंग बुला रहे हैं, अब शेयर होल्डर्स की अगर मीटिंग बुला रहे हैं तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा वो कौन सी मीटिंग है। वो मीटिंग है जो साल में एक बार होती है, वो मीटिंग है जो रिक्वायरमेंट के टाइम पर होती है। ये कब होती है? ये वंस इन ए ईयर, ये वेन एवर रिक्वायर्ड। अब देखो ये अगर ये वंस इन ए ईयर हो रही है, ये वंस इन ए ईयर हो रही है तो कुछ पर्पज तो होगा ना, साल में एक बार ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके अकाउंट्स है ना उनको अडोप्ट किया जाता है कि वो सही से बन गए, सही से जो आपकी बैलेंस शीट है वो सही बनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही से बने हैं, तो उनको क्या करने के लिए, अडोप्शन करने के लिए, या जो डिविडेंड है इस डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए,
या जो ऑडिटर इस बार रिटायर होने वाला है, जिसके 5 साल पूरे हो जा रहे हैं, उसकी जगह पे किसी को, या तो उसको रीअपॉइंट करने के लिए या न्यू अपॉइंट करने के लिए उसकी जगह पे, सेम अगर कोई रिटायरिंग डायरेक्टर है, उसी रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना है या न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, रोटेशन आपने पढ़ा था ना, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। तो ये चार ऐसे बिजनेस हैं जो सिर्फ कहाँ डिस्कस किए जाते हैं, ये चार ऐसे बिजनेस हैं जो सिर्फ एजीएम में डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और मैटर है, कोई और चीज़ है, वो कहाँ की जा सकती है, वो यहाँ पे भी की जा सकती है। तो ये इसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। ये चार बिजनेस ऐसे हैं, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं, इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस को। इसके अलावा बाकी सारे बिजनेस क्या कहलाएंगे, रेस्ट आर स्पेशल बिजनेस, रेस्ट आर स्पेशल बिजनेस। इन चार को छोड़ के बाकी सारे बिजनेस क्या कहलाएंगे, स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी हो सकते हैं, और ये तो स्पेशल बिजनेस के लिए ही होती है, यहाँ पे तो ऑर्डिनरी बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो साल में एक ही बार ये मैटर डिस्कस होते हैं। इंटीरियम डिविडेंड भी है तो वो भी स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। अब वो कह रहे कि ये काम करने के लिए आपने क्या बुला ली, एजीएम या ईजीएम। अब वो कह रहे कि एजीएम बुलानी है तो एजीएम का नोटिस भी इशू करना पड़ेगा, एजीएम बुलानी है तो डे डेट टाइम इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो पढ़नी पड़ेंगी, किस दिन बुला सकते हो किस दिन नहीं, किस डे, क्या कोई पर्टिकुलर डेट है जिसको आपको अवॉइड करना है, पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में बुला सकते हो या कभी भी बुला सकते हो, यहाँ पर भी कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग को वैलिड करार देने के लिए, जैसे डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए वैसे ही यहाँ पे भी कितने लोग होने चाहिए, चेयरमैन कैसे अपॉइंट किया जाएगा इस मीटिंग का, यहाँ भी तो मीटिंग है, मीटिंग का यहाँ भी तो क्या होगा चेयरमैन। अब यहाँ एक और चीज़ है कि अगर कौन नहीं आता है, अगर कोई मेंबर खुद नहीं आना चाहता तो वो किसी दूसरे को भेज सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सी। तो ये क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोग, मतलब कितने शेयर्स होने पे प्रॉक्सी भेज सकते हो, ये कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो आप पढ़ने वाले हो। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि स्पेशल बिजनेस अगर हो, अगर स्पेशल बिजनेस हो तो आपको एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है, एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, बहुत सारी जगह आपने ये वर्ड सुना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या चीज़ आएगी, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या चीज़ आएगी, वो आप यहाँ पढ़ने वाले हो, वो आप यहाँ पढ़ने वाले हो। अब वो कह रहे कि अगर मीटिंग बुला ली तो मीटिंग में क्या होगी, वोटिंग। अगर मीटिंग बुला ली तो मीटिंग में क्या होगी, वोटिंग। वोटिंग हो सकता है बाय शो ऑफ हैंड से हो, शो ऑफ हैंड्स पता है ना, हाथ खड़े करा दिए, कितने लोग ये फेवर में है वो हाथ खड़े कर ले, जो लोग अगेंस्ट में है वो मत करें, शो ऑफ हैंड्स हो सकता है। पोल हो सकता है, वोटिंग पोल देखा है, वोटिंग मीटर, वो केबीसी में वोटिंग पोल, किसको बी को सबसे ज्यादा मिला है परसेंटेज, हाँ में सी को मिला है या डी को मिला है, तो वो पोल हो गया। पोल के अलावा आजकल नया कॉन्सेप्ट है ई वोटिंग का, आजकल नया कॉन्सेप्ट है ई वोटिंग का, और एक है पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट घर पे चिट्ठी आएगी, चिट्ठी में लिखा है कुछ, उसका रिप्लाई सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से वो आई है, बाय पोस्ट आई है, आपको वापस बाय पोस्ट भेजनी पड़ेगी, तो पोस्टल बैलेट, तो वो पोस्टल बैलेट। तो वोटिंग कैसे करोगे, वोटिंग का तरीका क्या रहेगा, अच्छा कौन से मैटर्स के लिए MGT 14 फाइल करना, आपने काफ़ी जगह पढ़ा है ना, SR पास हुआ तो क्या फाइल करना पड़ेगा, MGT 14। तो Section 117 आपको बताएगा कौन से मैटर्स के लिए MGT 14 फाइल करना है, कौन से मैटर्स के लिए MGT 14 फाइल करना है। इसके अलावा मिनट्स पढ़ोगे आप, यहाँ पे आपने मिनट्स पढ़े थे ना, कहाँ पर, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़े थे, यहाँ पर भी वही है, Section 118 के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग के क्या करने हैं, मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर करने हैं। अब वो कह रहे हैं कि मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, कुछ चीज़ें तो आपने देखो बोर्ड मीटिंग वाले में पढ़ लिया, कुछ चीज़ें आप यहाँ पढ़ोगे कि मीटिंग के मिनट्स कैसे बनेंगे, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, क्या क्या मैटर होना चाहिए मिनट्स में, आपको ऑलरेडी पता है कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें आप यहाँ पढ़ने वाले हो, कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि आपने बोर्ड वाले चैप्टर पढ़ रखे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं बेसिकली, लेकिन इस चैप्टर में देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो कंपनीज एक्ट
सेक्शन 96 से लेके 122, सेक्शन 96 से लेके 122, दूसरा रूल्स, तो कंपनीज मैनेजमेंट वाले रूल्स जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, तीसरा आपको सेसेस, तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 ऑन जनरल मीटिंग, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 ऑन जनरल मीटिंग, ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको तीन चीजें पढ़नी है, कंपनीज एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। तीन चीजें को मिक्स करके ये चैप्टर बनाया गया, इसीलिए काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए काफी बड़ा चैप्टर बनाया गया क्योंकि तीन चार चैप्टर को मिला के ये चैप्टर एक अकेला बना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये जानने वाले हैं कि जनरल मीटिंग होती क्या है, फिर हम ये जानने वाले हैं एजीएम क्या होती है, ईजीएम क्या होती है। अच्छा, ईजीएम के वे भी तरीके भी पढ़ेंगे, वेज भी पढ़ेंगे, ईजीएम कैसे बुलाई जाती है और एजीएम का बुलाने का तरीका क्या है। अब ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ तरीके हैं, आपने एक तरीका बहुत पहले भी पढ़ा था, एक जगह आया था, शायद सेकेंड पता नहीं शायद थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऑन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करके जो मीटिंग बुलाई जाती है वो क्या कहलाती है, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, जहाँ पे अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया मीटिंग होल्ड करने में, कौन सी, एजीएम या जनरल मीटिंग, तो वहां क्या किया जाएगा। और अब ये भी पढ़ोगे एनसीएलटी कब ऑर्डर इशू करेगा मीटिंग कराने का, और यहाँ अब एक अच्छी चीज क्या पढ़ने वाले हो, इवन वन पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग, एनसीएलटी ऐसा ऑर्डर इशू कर सकता है कि इवन एक पर्सन भी अगर आपका प्रेजेंट है, इवन एक पर्सन भी आपका प्रेजेंट है तो वो भी क्या मानी जाएगी, वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। जहां मीटिंग कॉल करना पॉसिबल नहीं है, जहां डिफॉल्ट हो रहा है मीटिंग होल्ड करने में, वहां किसी मेंबर ने अगर एप्लीकेशन लगाई है मीटिंग को कराने के लिए, तो इवन ए सिंगल पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग, तो वहां सिंगल पर्सन भी अगर प्रेजेंट है तो मीटिंग क्या मानी जाएगी, वैलिड मीटिंग मानी जाएगी, वो वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। तो देखो मीटिंग का मीनिंग क्या है, अब मीटिंग का मीनिंग क्या है, मीटिंग वो चीज है जहाँ पे दो लोग आते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, दो लोग का मतलब दो या दो से ज्यादा, तो मिनिमम दो होने चाहिए लोग, जहाँ इकट्ठे होते हैं, चर्चा करते हैं, डेलीब्रेशन डिस्कशन होती है किसी एक चीज पर और फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो मीटिंग है। अब सीधी सी बात है, मीटिंग के लिए दो लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है जहाँ पर इवन ए सिंगल पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। मीटिंग में भी जनरली डिफाइंड एज गैदरिंग और असेंबली और गेटिंग टुगेदर ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। गैदर होना या असेंबल होना लोगों का किसी एक जगह पे किसी एक मैटर को डिस्कस करने के लिए, लॉफुल बिजनेस को या ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने के लिए, वो क्या कहलाता है, मीटिंग। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन, कम से कम दो लोग होने चाहिए मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, एक मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। Therefore, one shareholder usually cannot constitute a meeting. Usually word इसीलिए use किया क्योंकि इसके exception है, मैंने पहले आपको बता दिया इस बात के exception है, इसीलिए उसने usually word use किया है। तो therefore, one shareholder usually cannot constitute a meeting even if he hold proxy for all other shareholder. अब proxy क्या होता है, आपने सुना होगा ना, आपने काफी movies में या कहीं देखा होगा, तो एक दूसरे को बोलते हैं ना कि भाई मैं आज college नहीं आ रहा, मेरी proxy लगवा दी। तो प्रोक्सी क्या है, सेकंड वाला पर्सन क्या करता है, उसकी जगह अटेंडेंस बोल देते हैं चुपके, तो उसने क्या करा दिया, प्रोक्सी लगा दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह तू जा रहा है, और तू ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम मैं हूँ और तू मेरी अटेंडेंस बोल दियो, अपनी तो बोल नहीं बोलनी है, मेरी भी बोल दियो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोक्सी। तो कह रहे कि अगर सारे के सारे शेयर्स के लिए, मतलब मान लो कंपनी के 10 शेयर होल्डर है और 10 ने मिलके मिस्टर ए को प्रोक्सी अपॉइंट कर दिया, मिस्टर ए इवन चाहे सारे के सारे शेयर होल्डर का प्रोक्सी है, इवन वो सिंगल पर्सन है तो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। आवर इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस इवन वन पर्सन मे कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनसीएलटी चाहे जहाँ मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है, जहाँ मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है, तो वहाँ पर इवन ए सिंगल पर्सन एनसीएलटी की डायरेक्शन से कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक वैलिड मीटिंग।
इट इज टू बी नोटेड दैट एवरी गैदरिंग और असेंबली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर गैदरिंग ऑफ मिनट्स मीटिंग कह देंगे। मीटिंग के लिए प्रॉपर कंप्लायंस करनी जरूरी है, वो लॉ की जो लॉ लिखा है कहाँ पे, कंपनीज एक्ट में, कि मीटिंग बुलाने के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, मीटिंग की जगह तय करनी पड़ेगी, टाइम तय करना पड़ेगा, कोरम तय करना पड़ेगा, चेयरमैन बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजों की अगर कंप्लायंस अगर आप कर पा रहे हो तो वो मीटिंग है। अदरवाइज तो हम डेली हजारों लोगों से मिलते हैं, कुछ चीजों की डिस्कशन करते हैं, तो मीटिंग नहीं है। इट टू बी नोटेड दैट एवरी गैदरिंग और असेंबली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग, कंपनीज मीटिंग कंपनी मीटिंग्स मस्ट बी कन्वीन्ड और कंडक्टेड इन ए परफेक्ट कंप्लायंस और हेल्ड इन ए परफेक्ट कंप्लायंस विद वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रूल्स फ्रेम देयर। तो मीटिंग तभी मानी जाएगी जब वो प्रॉपर कंप्लायंस के साथ हो। कौन सी? वो जो लॉ की कंप्लायंस कहा, लेकिन कंपनीज एक्ट में, कंपनीज के रूल में जो बनाए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर मीटिंग हो रही है तो वो मीटिंग है, अदरवाइज मीटिंग नहीं है। अब वो कह रहे कि डिसीजन मेकिंग पावर कंपनी में दो लोगों के पास होती है, या तो मेंबर के पास होती है या डायरेक्टर के पास होती है। लेकिन आपने 179 पढ़ा था, तो 179 में आपने ये पढ़ा कि पावर, कुछ पावर्स बोर्ड को दी गई है, लेकिन सब तो उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको SR पास करना पड़ेगा, उसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सेक्शन 180 पढ़ा है कि एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा आपको कुछ भी करना है, वो चाहे आपको अंडरटेकिंग सेल करनी हो, चाहे आपको बोरोइंग करनी हो, चाहे आपको कंपनसेशन में जो पैसा मिला उसको इन्वेस्ट करना हो, या आपको जो डायरेक्टर ने जो पैसा लेना है उसके लिए टाइम पीरियड एक्सटेंशन करानी हो, रीमिट करानी हो, तो आपने पढ़ा था ना इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की ज़रूरत है। तो डिसीजन मेकिंग दो लोगों के हाथ में, मेंबर और डायरेक्टर, दे एक्सरसाइज देयर रिस्पेक्टिव पावर्स थ्रू रेजोल्यूशन पास बाय देम। जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू एक्सरसाइज देयर विल इन रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। तो मीटिंग वो जगह है जहाँ पे मेंबर आके अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन मैनेजमेंट को चाहे तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर अगर मेंबर के पास है तो रिमूव करने की पावर भी किसके पास है, मेंबर के पास। कन्वीनिंग ऑफ वन सच मीटिंग एवरी ईयर इज कंपल्सरी, साल में एक ऐसी मीटिंग करनी जरूरी है। होल्डिंग ऑफ मोर मीटिंग इज लेफ्ट टू द चॉइस, अब एक से ज्यादा अगर करनी है तो किसकी है, मैनेजमेंट को जब भी लगेगा, या शेयर होल्डर है कुछ उनको जब भी लगेगा कि भाई उनको ऐसी मीटिंग बुलानी चाहिए जो शेयर होल्डर की, जिसमें उन्हें कुछ मैटर डिस्कस करना है, तो वहाँ शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक मीटिंग मिनिमम एक मीटिंग करनी ही करनी है, जिसको हम AGM कहते हैं। इसके अलावा आप EGM कितनी भी कर सकते हो, EGM पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप EGM जितनी मर्जी करो, AGM एक ही होगी और कंपल्शन है, वो होनी ही होनी है हर साल। नेक्स्ट आप सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी पढ़ने वाले हो, किस पे, मीटिंग पे। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी मैंडेटरी एडहर्ड बाय ऑल कंपनीज एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 118। तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग क्या कहलाते हैं, SS2 कहते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, या ICSI ने इशू किए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल है, मतलब सभी कंपनीज को इसकी रिक्वायरमेंट क्या करनी है, फुलफिल करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में प्रैक्टिसेस बताई गई हैं कि अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो बेसिक सी बात है, किसको बढ़ावा दे रहे हैं, गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, अच्छी आदतों को, अच्छे तरीकों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये एप्लीकेबल है टू ऑल टाइप ऑफ जनरल मीटिंग, द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ जनरल मीटिंग एक्सेप्ट 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि 1% कंपनी की जो AGM है वो फिजिकल नहीं होती है, वो ऑन पेपर होती है, एंड क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एग्जम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। द रिवाइज वर्जन ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017। तो 1 अक्टूबर 2017 से पहले ICSI ने इशू कर रखे थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से नहीं थे। तो 1 अक्टूबर 2017 से क्या कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 118 में इनको मेंशन करके वहां से इशू कर दिया, वहां से कंपल्शन दी। तो नेक्स्ट आपका मेंबर्स की मीटिंग है। तो मेंबर्स की मीटिंग ना तीन तरीके की, एक एनुअल जनरल मीटिंग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक क्लास मीटिंग। तो ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग ऑफ मेंबर टू टेक अप्रूवल ऑफ द सर्टेन बिजनेस आइटम एज प्रिस्क्राइब।
द मीटिंग टू बी हेल्ड एनुअली फॉर सीकिंग अप्रूवल टू सर्टेन ऑर्डनरी बिजनेस। कुछ ऑर्डनरी बिजनेस को अप्रूवल लेने के लिए जो साल में एक मीटिंग कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर मेंबर के पास ऑपर्चुनिटी है कि वो कंपनी की एक्टिविटीज पे डिस्कशन कर सके, क्या कंपनी की एक्टिविटीज जैसे सोची थी वैसे चल रही है या नहीं चल रही है। ए मीटिंग टू हेल्ड टू ट्रांजिट एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डनरी बिजनेस। तो बचे हुए बिजनेस क्या है? स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो मीटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। इन सर्टेन केसेस ए कंपनी मे होल्ड ए मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, उसको क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स हैं, एक इक्वल राइट्स वाले हैं, एक डिफरेंशियल वाले हैं, ईवीआर वालों की मीटिंग करा दी तो वो क्या कहलाएगी? क्लास मीटिंग। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की मीटिंग करा दी तो वो भी क्या कहलाएगी? क्लास मीटिंग, कि वो सिर्फ प्रेफरेंस वालों की हो रही है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की मीटिंग के रिगार्डिंग, कि मीटिंग है क्या और मेंबर्स की मीटिंग कितने तरीके की होती है, 3 तरीके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला तरीका। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनुअल जनरल मीटिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी 3 तरह की मीटिंग होने वाली है, एक एजीएम, एक ईजीएम और एक क्लास मीटिंग। अब क्लास मीटिंग के बारे में तो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं, एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है क्लास मीटिंग के ऊपर और आपको जस्ट उतना ही पढ़ना है कि क्लास मीटिंग है क्या। बाकी आप अलग अलग जगह से उसे रिलेट कर सकते हो कि अच्छा क्लास मीटिंग यहाँ होती है, क्लास मीटिंग वहां होती है। मेन आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, एनुअल जनरल मीटिंग का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आपका जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, इन्हीं टॉपिक्स को लेकर है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है। अच्छा एक बेसिक सा देखो, हम छोटा सा बेसिक सा मैं आपको और बताऊं। अब देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेंबर्स डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए उन्होंने किसको अपॉइंट कर रखा है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है। अब डायरेक्टर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या कंपनी सही से कंपनी के अफेयर सही से मैनेज हो रहे हैं या नहीं? क्या कंपनी शेयर होल्डर्स की ग्रोथ करवा पा रही है या नहीं? क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है और हर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉफिट के लिए, क्या वो पैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? क्या कंपनी के शेयर होल्डर सॉरी कंपनी के डायरेक्टर उसे अच्छे से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, उसमें कंपनी में ग्रोथ ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे? या क्या अफेयर्स को ढंग से मैनेज कर रहे हैं या नहीं मैनेज कर रहे? इसको देखने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए क्या की जाती है? एनुअल जनरल मीटिंग की जाती है साल में एक बार, क्योंकि नाम से ही क्लियर है एनुअली। ऐसी जनरल मीटिंग जो आपने कब कराई है? एनुअली। अब लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको क्या चाहिए होती है? परमिशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल नेम चेंज अगर आपको करना है, मान लो कंपनी को नेम चेंज करना है, तो नेम चेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब मुझे नेम चेंज आज करना है, मैं शेयर होल्डर की मीटिंग का तो वेट नहीं करूंगा कि एनुअल जनरल मीटिंग में जाके परमिशन ले लेंगे। तो हम क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लो। इस चीज के लिए नेम के लिए वेट नहीं करना है इतना लंबा कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब अप्रूवल ले लेंगे, तब देखी जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी मैटर्स को डिस्कस करने के लिए होती है बेसिकली। मतलब ये नहीं है कि स्पेशल बिजनेस हो नहीं सकते, स्पेशल बिजनेस भी पॉसिबल है, लेकिन जो ईजीएम है वो सिर्फ स्पेशल बिजनेसेस को डिस्कस करने के लिए बनाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा अभी तक जो आपने पढ़ा वो बेसिक ही है, अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो जस्ट छोटा सा बेसिक है इस चैप्टर का। अब हमारे प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन 96। अब मैंने आपको पहले ही बताया 96 से लेके 122 तक पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में, 96 से लेके 122 और सारे के सारे सेक्शन आएंगे। तो याद कर लेना 96 से लेके 122 आपका एजीएम का सेक्शन है 96। तो 96 स्टार्ट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। तो सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी
अदर देन ए वन पर्सन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ए जनरल मीटिंग एवरी एवरी कंपनी, मतलब चाहे पब्लिक है, चाहे प्राइवेट है, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे आपका एनजीओ वाली कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम कहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, उसी भी तरह की कोई भी कंपनी है, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो जो आपने चैप्टर वन में पढ़ा था, किसी भी तरह की कंपनी हो, साल में एक एजीएम जरूर करानी है, साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग जरूर करानी है। जैसे आजकल एनुअल जनरल मीटिंग का दौर चल रहा है, आजकल बड़ी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, जुलाई में ही होती है मैक्सिमम लिस्टेड एंटिटीज की, जुलाई में ही होती है, क्योंकि जो आपकी कंपनी है ना ये लिस्टेड एंटिटीज, इनको सेबी ने 5 महीने दिए होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड तो वहाँ आएगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 क्या कह रहे हैं, हर कंपनी को, लेकिन एक कंपनी को छोड़ के, किसको, वन पर्सन कंपनी को, इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द जनरल मीटिंग एवरी। तो आप एक चीज पढ़ने वाले हो कि 96 से लेके आई थिंक 120 या 121 तक अप्लाई ही नहीं है, इस पे ओपीसी पे एक ही सेक्शन दिया गया है सीधा ओपीसी का, तो 96 से लेके 120 शायद 121 तक अप्लाई ही नहीं है, आपको डायरेक्ट शायद 122 ही पढ़ना है जो किस पे अप्लाई होगा, ओपीसी पे। तो हर कंपनी को लेकिन ओपीसी को नहीं, ओपीसी के लिए तरीका अलग दिया गया है एनुअल जनरल मीटिंग और बाकी सब चीजों के रिगार्डिंग। तो हर कंपनी को अदर देन ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी। तो सेक्शन ये सॉरी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एसएस याद रख लो, जहां एसएस आएगा वहां सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 प्रोवाइड दैट द बोर्ड शैल एवरी ईयर कन्वीन और ऑथराइज कन्वीनिंग ऑफ ए मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर कॉल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग टू ट्रांजिट आइटम ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजिट एट द एनुअल जनरल मीटिंग एज वेल एज द स्पेशल बिजनेस इफ एनी। अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड दैट द बोर्ड शैल, बोर्ड को क्या करना है, हर साल कन्वीन करनी है या ऑथराइज करना है किसी डायरेक्टर को कि भाई तुम मीटिंग कन्वीन कराओ, किसकी, मेंबर्स की, कौन सी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, क्या डिस्कस करने के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेसेस को डिस्कस करने के लिए स्पेसिफिकली, इन जनरल आप स्पेशल बिजनेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज वेल एज द स्पेशल बिजनेस इफ द बोर्ड फेल टू कन्वीन, अगर बोर्ड फेल हो जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग करने में तो कोई भी मेंबर किसको अप्रोच कर सकता है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी को, बीच में देन डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, बीच में देन डायरेक्ट जो क्या करेगी, फिर अलाउ कर देगी आपको क्या करना, कॉलिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, आपको अलाउ कर देगी कि आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते। तो सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, हर कंपनी को अदर देन ए वन पर्सन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। एसएस 2 क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो एसएस अच्छी प्रैक्टिसेस पूरा लिखेगा, आपको एक जितना लिखना चाहिए उतना लिखेगा, एसएस जो है वो बढ़ के लिखेगा, उससे कुछ ना कुछ अच्छी चीज लिखेगा, बढ़ के लिखेगा। देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि बोर्ड को बुलानी है, कुछ नीचे साफ साफ लिखा है बोर्ड को हर साल कन्वीन करनी है या ऑथराइज करना है किसी को कि कन्वीन करा दे वो मीटिंग शेयर होल्डर्स की, जिसे हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए स्पेशल बिजनेस एज वेल एज सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस एज वेल एज स्पेशल बिजनेस। लेकिन अगर बोर्ड फेल हो गया तो ये कोई भी मेंबर किसके पास जा सकता है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी यानी एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, बीच में डायरेक्ट और जो ऑर्डर इशू कर सकती है डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब कुछ की प्रोविजंस दिए गए हैं आपके किसके रिगार्डिंग, होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, की प्रोविजंस मतलब प्रोविजंस ही है 96 के, प्रोविजन ही है 96 के कि एजीएम कब होनी चाहिए कब नहीं, बेसिकली आप कह सकते हो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया गया है कि एजीएम कब करनी है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, देखो
एजीएम, एक पहली एजीएम मेरी कंपनी की, एक मेरी कंपनी की फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम, एक मेरी कंपनी की सब्सिक्वेंट एजीएम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहां तक भी मेरी कंपनी चलेगी बाकी सारी एजीएम क्या कहलाएंगी, सब्सिक्वेंट। तो दोनों का टाइम पीरियड ना अलग अलग दिया गया, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग दिया गया है, इसीलिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। एक आपकी फर्स्ट एजीएम, एक आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम, एक आपकी फर्स्ट एजीएम, एक आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम। इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब होता है। अब देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 1 जनवरी। अब देखो, अब वो कह रहे कि देखो मेरी कंपनी की मुझे पहली एजीएम करनी है तो मुझे पहला फाइनेंशियल ईयर पता होना चाहिए कि मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा। फाइनेंशियल ईयर तो पता है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो कभी भी हो, 19, 18, 17 जो भी है, सब में फाइनेंशियल ईयर है। अब वो कह रहे कि ये डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कौन से। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंपनी। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंपनी डिपेंड करेगा किस पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी पे। अब वो कह रहे कि आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, ये बात इस पे डिपेंड करेगी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है। फर्स्ट आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1 जनवरी से पहले हुई है या 1 जनवरी या उसके बाद हुई है। अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी, अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है, मतलब 31 दिसंबर या उससे पहले बनी है, तो जो मार्च आने वाला है कमिंग 31 मार्च है, उसको आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। जो कमिंग मार्च है उसको आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मान लो 28 दिसंबर 2019 है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब तक का होगा, 28 दिसंबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का होगा। ऑल्दो 3 महीने 2 दिन का है, लेकिन है, ऑल्दो 3 महीने 2-3 दिन का है, लेकिन जो भी है वो है। आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर डिपेंड करेगा आपकी कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है या 1 जनवरी के बाद बनी है। अब वो कह रहे कि अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है तो आने वाला मार्च आपका क्या होगा, आने वाला मार्च आपका 31 मार्च जो भी होगा उस दिन आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी के बाद बनी है तो नेक्स्ट जो आने वाला मार्च है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आने वाला मार्च है, उससे भी अगला मार्च। तो अगर मैं क्या कहूँ, अगर मेरी कंपनी बनी है, कब कंपनी बनी है, मान लो 2 फरवरी 2020 को, तो पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 नहीं होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021 को। देखो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसी चीज पे अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है इसी चीज पे, आईसीएसआई पूछता है इसी चीज को। आपकी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी कंपनी 1 जनवरी
से पहले बनी है या 1 जनवरी के 1 जनवरी को या उसके बाद बनी है। तो अगर मेरी कंपनी आने वाले मेरी कंपनी जनवरी से पहले बनी है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपकी कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होने वाला है, और इस केस में फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होने वाला है। अगर आपकी कंपनी मान लो 10 अप्रैल 2020 को बनी है, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आपको पहले तो ये देखना है किस में फॉल कर रहा है, बिफोर फर्स्ट जैन है या ऑन या आफ्टर फर्स्ट जैन है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब वो कह रहे हैं कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यस इससे पहले बनी है, बिफोर फर्स्ट जैन, पहली तारीख से पहले बनी है, इसमें फॉल नहीं कर रहा ये। अब वो कह रहे हैं कि यस अगर ऐसे है तो आपकी पहली पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है आपका, आने वाला मार्च 31 मार्च 21 ही होगा, आने वाला मार्च तो यही है ना, 31 मार्च 21। आप डेट कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2019 की जगह 18 17 कुछ भी डाल सकते हो। हमें तो बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ देखो इसीलिए 1 जनवरी के पीछे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि हमें तो जनरल कॉन्सेप्ट पे जाना है कि अगर कंपनी 1 जनवरी 2018 को बनी है या उससे पहले बनी है तो भी सेम तरह से आएगा। अब मान लो आपकी कंपनी 12 जनवरी 2018 को आपकी कंपनी बनी है, 12 जनवरी 2018 को कंपनी बनी है, तब किस में फॉल कर रहे हो, इसमें फॉल कर रहे हो, इसमें नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑन और आफ्टर फर्स्ट जेन है। अब देखो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ टाइम पीरियड कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, क्योंकि इससे पहले तो यही होगा ना फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर का मैं अगर देखूँ तो 1 जनवरी से पहले फाइनेंशियल ईयर के महीने कितने होने वाले हैं, अप्रैल से लेके दिसंबर, जनवरी में कितने होने वाले हैं, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च ही तो होने वाला है बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर। तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एक मैंने 1 जनवरी से पहले ब्रेक कर दिया, एक मैंने 1 जनवरी या उसके बाद ब्रेक किया है। तो यहाँ हो गए कितने, 9 महीने, यहाँ कितने बचे हुए, 3 महीने आपके। अब वो कह रहे हैं कि मेरी कंपनी 12 जनवरी 2018 को बनी है, तो ये तो टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का था, इसमें तो आएगी नहीं, इसमें आएगी तो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कब होगा, 31 मार्च 2018 या 19, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करना है, आने वाला मार्च नहीं, आने वाले से अगला मार्च, तो 2019 सेम। अगर मैं कहूँ आपकी कंपनी कब बनी है, 31 दिसंबर 2017 को बनी है, 31 मई 2020 को बनी है, 4 मार्च 2015 को बनी है, 6 फरवरी 2020 और 31 मार्च 2020। ये आपका होमवर्क है, एक तरह से ये आपका होमवर्क है, आपको ये बताना है कि आपकी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है, आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है। अभी कर लो भाई फटाफट, साथ के साथ कर लो फटाफट, अभी कराऊंगा ये। अब देखो 31 दिसंबर 17 कंपनी किससे पहले है, 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी के बाद है, 1 जनवरी से पहले है, इसमें फॉल करने वाले हैं, तो आने वाला मार्च, भाई आने वाला मार्च 18 वाला होगा, इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं। 31 मई 20, 1 जनवरी से फिर से पहले आ गया, 1 जनवरी से पहले है तो आने वाला मार्च 4 मार्च नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें आए क्योंकि 1 जनवरी के बाद बनी है। 1 जनवरी के बाद का मतलब है 31 मार्च तक ही देखना है, अप्रैल में मत चले जाना, क्योंकि अप्रैल तो पिछले वाले में कवर कर लिया हमने। तो मैंने आपको ब्रेक का बता दिया, 1 जनवरी से पहले मतलब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर यहाँ आ गया,
1 जनवरी से 31 मार्च यहाँ फॉल करता है, 1 मार्च के बाद, तो वहाँ 3 ही महीने हैं, तो 4 मार्च यहाँ फॉल करेगा, 4 मार्च, तो आने वाला मार्च तो नहीं है, 31 मार्च 2016, 15 नहीं, 6 फरवरी, फरवरी आ गई तो यहाँ फॉल करने वाली है फरवरी, फिर 31 मार्च 2021, यहाँ कितना है, 31 मार्च 2020 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, तो 31 मार्च 2021। अब एक चीज क्या याद रखनी है, यहाँ जो आपका टाइम पीरियड निकल कर आएगा ना, यहाँ अगर कोई फॉल किया है तो आपका टाइम पीरियड जो निकल कर आने वाला है ना, वो 3 4 महीने का होने वाला है बेसिकली। अगर आपकी कंपनी इसमें फॉल कर गई, किसमें, पहले वाले पीरियड में फॉल कर गई, तो आप ये सोच लो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर 7 महीने का होगा, 8 महीने का होगा, मैक्सिमम 9 मंथ्स का हो सकता है, नहीं मैक्सिमम आपका 11 मंथ्स का हो सकता है, 11 मंथ्स कुछ दे, लेकिन 12 मंथ्स का नहीं होगा, वो तभी होगा जब आपकी कंपनी 1 अप्रैल को बनी हो पूरी, हो सकता है आपकी कंपनी पूरी 1 अप्रैल को बनी हो तो आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर हो, मतलब। लेकिन अगर आपकी कंपनी 10 अप्रैल को बनी है, आपकी कंपनी 10 मई को बनी है, कभी बनी है, तो आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर नहीं होने वाला है, और इस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से ज़्यादा जाने वाला है, इस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर 12 मार्च से ज़्यादा का जाने वाला है, क्योंकि देखो 12 जनवरी 2018 को बनी थी, तो जनवरी फरवरी मार्च यहाँ के भी महीने हैं और अगले साल वाले भी महीने हैं, क्योंकि 18 19 20 में आएगा, ये कंपनी कब बनी है, 17 18 में बनी है, और 18 19 भी साथ में लेकर गई, तो अगर मेरी कंपनी इस वाली टेबल में, इस वाले कॉलम में फॉल कर रही है, तो फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 12 महीने का होगा, लेकिन अगर इसमें है तो मिनिमम 12 महीने का होगा, इसमें है तो मिनिमम 12, ये है मैक्सिमम 12, तो ध्यान रखना है आपका पहला फाइनेंशियल ईयर जरूरी नहीं है उसी साल में खत्म हो, अगले साल में भी हो सकता है, और 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल ईयर समझ लो एक बार। फिर हम एजीएम पर आते हैं, फिर हम एजीएम पे आते हैं कि आपकी एजीएम कब होनी, तो मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर मैं आपको एजीएम के ऊपर लेके चलूंगा। ये डीओआई है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको बताना है, और अब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर भी आपको बताना है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि आपकी कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है या 1 जनवरी के बाद बनी है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप किस में फॉल करने वाले हो। अब मान लो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी बनी है, कब बनी है आपकी कंपनी, आपकी कंपनी बनी है 20 दिसंबर 2018 को, 20 दिसंबर 2018 को। सेकंड, आपकी कंपनी बनी है 10 मार्च 2019 को। थर्ड, आपकी कंपनी बनी है 15 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट, आपकी कंपनी बनी है 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट, आपकी कंपनी बनी है 1 जनवरी 2020 को, 31 दिसंबर 2019। अब बताओ भाई, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैसा होगा, और सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा, कब खत्म। अब आपको सिर्फ पहले ये देखना है कि क्या ये जनवरी से पहले बनी है या नहीं। यस, जनवरी से पहले बनी है तो मतलब आने वाला मार्च इसका एंडिंग डेट होगा, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 20 12 18 से लेके 31 मार्च 19 तक का होने वाला है। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होने वाला है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। फिर अगला 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21, ऐसे ऐसे तो नेक्स्ट आते रहेंगे,
ऐसे तो आते रहेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड कह लो, ये सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड की बात कर रहे हैं हम अभी, 10 मार्च, तो जनवरी के से पहले बनी है, जनवरी के बाद बनी है, जनवरी के बाद बनी है, तो मतलब आने वाला मार्च नहीं, उससे आने अगला मार्च, तो 10 जनवरी से लेके आने वाला मार्च नहीं, उससे अगला मार्च फाइनेंशियल ईयर, ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21, ये डेट इसीलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि एजीएम, पहली एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम तभी आपको समझ में आने वाली है, तभी आपको समझ में आने वाली है। 15 फरवरी, फरवरी तो जनवरी के बाद आती है भाई, तो आने वाला मार्च नहीं, उससे अगला मार्च, और सब्सिक्वेंट तो सीधा है, सब्सिक्वेंट तो सीधा है 20 से लेके 21, 1 अप्रैल, जनवरी से पहले, जनवरी के बाद, जनवरी से पहले, ये मत कहना सर जनवरी के बाद आती है अप्रैल, हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, और फाइनेंशियल ईयर में जनवरी बाद में आती है, अप्रैल पहले आती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल पहला महीना है और कैलेंडर ईयर में जनवरी पहला महीना है। कैलेंडर में देखूं तो जनवरी पहला महीना है, और मैं अगर कॉरपोरेट वाले फाइनेंशियल ईयर में देखूं तो अप्रैल पहला महीना है, तो जनवरी बाद में आई है, अप्रैल पहले आई है, तो अप्रैल जनवरी से पहले आ गई, अप्रैल क्या है, जनवरी से पहले, तो जनवरी से पहले है तो आने वाला मार्च ही, आने वाला मार्च ही एंडिंग डेट है, और यहाँ सब्सिक्वेंट 21 से लेके 22 तक का होने वाला है। 1 जनवरी, ये तो जनवरी में ही आ गया भाई, तो आने वाला मार्च नहीं, उससे अगला मार्च, सब्सिक्वेंट तो बड़ा सिंपल सा है, दिसंबर, जनवरी से पहले तो आने वाला मार्च, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके लिए जनरल मीटिंग समझना बड़ा इजी है, कि पहली जनरल मीटिंग कब हो रही है और सब्सिक्वेंट कब हो रही है, लेकिन उससे पहले आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आपकी डेट गलत होने वाली है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपकी डेट गलत होने वाली है। मैं पहले कह रहा हूं, आपको क्या याद रखना है कि जनवरी से पहले, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो जनवरी से पहले कौन से महीने आते हैं और जनवरी के बाद कौन से महीने आते हैं। फाइनेंशियल ईयर में जनवरी से पहले अप्रैल टू दिसंबर आता है, और जनवरी फरवरी मार्च ये बाद में आते हैं, फाइनेंशियल ईयर में ध्यान रखना है। अब मेरी कंपनी 1 जनवरी से पहले बनी है या मेरी कंपनी 1 जनवरी के बाद बनी है, इस पे बहुत सी बातें डिपेंड करने वाली हैं। तो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी जनवरी से पहले बनी है तो आने वाला मार्च, नहीं तो आने वाले मार्च से अगला मार्च, आने वाले मार्च से अगले मार्च पे चले जाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर कितने दिन का है, 3 महीने 10 दिन का, यहाँ पे यहाँ कितना है, यहाँ तो कुली, ये तो टोटल, ये तो बड़ा हो गया ना, ये देखो ये तो 3 महीने 10 दिन का था, ये हो गया क्योंकि जनवरी के बाद बनी है तो 12 महीने से ज्यादा होने वाला है। तो देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 20, 1 अप्रैल 19 से, और मार्च के भी 20 दिन है, तो 12 महीने 20 दिन, ये भी बड़ा होने वाला है क्योंकि फरवरी में थी, ये टोटली पूरा 12 महीने का एक तरह से, ये आपका 15 महीने का हो गया, और ये वाला आपका महीने, ये 4 महीने का, 3 महीने का ही है, 3 महीने 1 दिन कह सकते हो। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं जनरल मीटिंग की फर्स्ट मीटिंग के बारे में बता ही नहीं सकता। तो आपको पहले इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहली मीटिंग कब होने वाली है, आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट मीटिंग कब होने वाली है, तो लेकिन पहले फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको आज समझा दिया, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं पहली जनरल मीटिंग और सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। आज के लिए इतना ही,
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज हमने कुछ नहीं किया जो मैं आपको रिवाइज कराऊं। 96 ये कहता है हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, तीन तरह की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, हर कंपनी को साल में एक बार कौन सी मीटिंग बुलानी है, एनुअल जनरल मीटिंग, ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या कहता है, बोर्ड को कन्वीन करानी चाहिए या किसी को ऑथराइज करना चाहिए कन्वीन करने के लिए मेंबर्स की मीटिंग, क्या डिस्कस करने के लिए, ऑर्डिनरी मैटर्स एज वेल एज स्पेशल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, उसको क्या बोला गया, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग इतना ही पढ़ा हमने। अब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब हो रही है और सब्सिक्वेंट कब हो रही है, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, टाइम पीरियड के प्रोविजन है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रहे और पढ़ लें इसको अच्छे से समझें आप। एनुअल जनरल मीटिंग पहले फाइनेंशियल ईयर को समझें, फिर मैं आपको पहली जनरल मीटिंग के बारे में बताऊँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।